फ्रेंड्स, यार आप पिछली क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेस के आंसर आप अपने बनाए हुए आंसर से इसको टैली कर लेना, ठीक है फ्रेंड। जैसे फलों से लदे हुए पेड़ों पर ही लोग पत्थर मारते हैं, वैसे ही गुणों से भरे इंसानों की निंदा करने वाले अक्सर मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेल, आई एम ऑल्सो वेरी वेल। Friends, today I am going to teach you about use of could. पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? Do you remember? Can, use of can. Can के बारे में आपको हमने बताया था, ठीक है फ्रेंड। तो आज ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। So, let's start the class of the day. पिछली क्लासेज में मैंने आपको यूज ऑफ कैन बताया था, मीन्स कैन का इस्तेमाल हम कहाँ और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द यूज ऑफ कुड, ठीक है फ्रेंड। तो लेट्स गो। कुड फ्रेंड्स, ये बताना बहुत जरूरी है कि कुड का इस्तेमाल कई तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। हम पास्ट के लिए भी करते हैं और प्रेजेंट के लिए भी करते हैं, बट हम पास्ट के लिए कब करते हैं और प्रेजेंट के लिए कब करते हैं यह मैं आपको अभी विस्तार से बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो पास्ट में हम किसी भी काम को करने वाले थे या करना चाहते थे लेकिन कर नहीं सके, किसी कारणवश या किसी मजबूरीवश हम कर नहीं सके, तो वहाँ पर हम कुड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट में। जैसे कल मैं मुंबई नहीं जा सका, मीन्स जाना था मुझे लेकिन जा नहीं सका, तो आई कुड नॉट गो टू मुंबई यस्टरडे, ठीक है फ्रेंड। और कुड का इस्तेमाल हम प्रेजेंट में कब करते हैं? जब किसी भी बात को हम संभावना से व्यक्त करते हैं, संभावना। मीन्स कैन का इस्तेमाल हम तब करते थे जब हम किसी भी एबिलिटी की बात करते थे कि ये करने की मुझ में एबिलिटी है, बट हम जब बात करेंगे संभावना की तो हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब मैं आराम कर सकता हूँ, मीन्स आराम करने की एबिलिटी नहीं बता रहा हूँ, मैं आराम कर सकता हूँ, मीन्स अब मेरे पास टाइम है कि मैं आराम कर सकता हूँ। अब मैं खाना खा सकता हूँ, मीन्स अब मेरे पास टाइम है कि अब मैं खाना खा सकता हूँ, मीन्स ये चीज़। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आइए हम पास्ट के लिए हम सीखते हैं कि कुड का पास्ट के लिए, जब हम पास्ट के लिए करेंगे, सका, सके और सकी, जब सेंटेंस के अंत में सका, सके, सकी रहे तो उस सेंटेंस को भी हम कुड से बनाते हैं। सारे सेंटेंसेस नहीं जिसमें यह अर्थ हो कि हम करना चाहते थे या करना था मुझे लेकिन कर नहीं सका, तो उसमें हम कुड लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड। जैसे मेकिंग फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ मैं, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह कल नहीं आ सका, वह कल नहीं आ सका, तो ही कुड नॉट कम यस्टरडे। मैं उसे हरा सका, मैं उसे हरा सका, तो आई कैन कुड डिफीट हिम। फ्रेंड्स, मैं कुड के सारे फॉर्म्स मीन्स नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन को साथ में लेकर चल रहा हूं। मैं इसका अलग अलग क्लास से वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये सिंपल है। नेगेटिव कब बनाते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लिखते हैं, इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, और क्वेश्चन वर्ड वो तो आपको पता ही है, तो मैं साथ में ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो मैं उसे हरा सका, आई कुड डिफीट हिम, मीन्स मैं उसे हरा सका, मतलब मेरे अंदर ये एबिलिटी थी कि मैंने उसे हरा दिया, मैं हरा सका, मतलब हराने में बहुत मेहनत लगी उसको लेकिन मैं हरा सका, एटलीस्ट मीन्स कैसे भी करके मैं उसे हरा दिया,
मैं उसे हरा सका। तो नेक्स्ट सेंटेंसेस आप इसको लिखते जाना और समझते जाना, ठीक है फ्रेंड। क्या वह गीत गा सका, क्या वह गीत गा सका? तो कुड ही सिंग सॉन्ग। तुम कल क्यों नहीं जा सके, तुम कल क्यों नहीं जा सके? तो व्हाई कुड यू नॉट गो यस्टरडे, ठीक है फ्रेंड। तो आप इन सेंटेंसेस को देख लो अच्छी तरह से और इनको लिख लो और समझ लेना अच्छी तरह से, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड आपने तो समझ लिया ही होगा कि कुड का इस्तेमाल हम किन स्थितियों में करते हैं पास्ट के लिए, ठीक है फ्रेंड। तभी मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रेजेंट में कुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं प्रेजेंट में। तो आप इनको लिख लेना अच्छी तरह से, मैं समझा रहा हूँ। प्रेजेंट कुड का इस्तेमाल, अब मैं आराम कर सकता हूँ। अब मैं आराम कर सकता हूँ, इस सेंटेंस से क्या बोध होता है? इस सेंटेंस से अब मैं आराम कर सकता हूँ तो इस सेंटेंस से क्या बोध होता है फ्रेंड? कि मतलब इसमें एबिलिटी नहीं बताई जा रही कि अब मैं आराम कर सकता हूँ। आराम करने की एबिलिटी तो उसमें है ही, मीन्स ये कोई एबिलिटी नहीं होती आराम करना, मीन्स उसके पास अब मुहलत है, मीन्स टाइम है, समय है, फुर्सत है कि वो आराम कर सकता है। तो ऐसी स्थितियों में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। तो नाउ आई कुड टेक रेस्ट, ठीक है, अब तुम उससे मिल सकते हो। नाउ यू कुड मीट हिम, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो ये था कुड का इस्तेमाल। कुड का इस्तेमाल हम पास्ट में और प्रेजेंट में भी करते हैं और फ्रेंड्स फ्यूचर के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं और फ्रेंड्स फ्यूचर के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कल मैं नहीं आ सकूंगा, आई कुड नॉट कम टुमारो, मैं यह काम नहीं कर सकूंगा, आई कुड नॉट डू दिस वर्क। मीन्स कुड का इस्तेमाल हम प्रेजेंट के लिए भी करते हैं, पास्ट के लिए भी करते हैं और फ्यूचर के लिए भी करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस पे डिपेंड होता है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि पास्ट की बात कर रहे हैं कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। उस हिसाब से हम बातचीत करते वक्त सामने वाला समझ जाता है कि ये कब की बात कर रहा है। जैसे अगर मैं बोलूँगा आई कुडंट कम यस्टरडे, तो यस्टरडे मीन्स कल की बात हो गई ना, मैं कल नहीं आ सका, आई एम सॉरी मैं नहीं आ सका कल। नाउ आई कुड टेक रेस्ट, और मैं आराम कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो ये था आज का क्लास और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कुड का इस्तेमाल हम किन किन स्थितियों में करते हैं, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में, तीनों में हम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लेना और जो क्लास के एंड में हम जो सेंटेंसेस देंगे उसको आप अच्छी तरह से समझ कर बना लेना, ठीक है फ्रेंड। अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद फ्रेंड्स। ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क, आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ कर बना लेना, ठीक है फ्रेंड। ओके बाय।